भाजपा प्रत्याशी एवं मंत्री गोपाल भार्गव ने किया रहली विधानसभा के चांदपुर में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन। उद्घाटन के दौरान मंत्री गोपाल भार्गव क्या बोले, जनता ने कर दी बड़ी मांग। इस बार गोपाल भार्गव सीएम को लेकर बोली चांदपुर की जनता। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इसको हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रोहित अहरवार और आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। इस वक्त हम रहली विधानसभा के चांदपुर में है और चांदपुर में रहली विधानसभा का जो विधानसभा चुनाव है, जो भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन किया है मंत्री गोपाल भार्गव ने। और यहाँ पे जो जनता है, इस बार जनता है जो रहली विधानसभा की, वो कह रही इस बार सीएम गोपाल स्वागत है, चलो जनता कह रही मुख्यमंत्री बनाओ। जनता जनार्दन है, जनता जैसा चाहेगी बस। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। इतने कचुनैया नौवीं बार फिर गोपाल, इतने मुद्दा नहीं बची, विकास के कोनो काम नहीं बचे है। ये बार मुख्यमंत्री बन बोता है क्योंकि सबसे ज्यादा वोटों से गोपाल भार्गव चुनाव जीत रहे हैं। इतने के विरोधियों की तो कचुने का विरोधी तो केवल नकली विरोध कराते हैं, आपके पास मुद्दा है ना क्या, विकास इतना होगा है कचु बचो लाभ सबो में लगाओ, तत्ता बीमारी को दिन करा रहा, मर रहा सो तेरा ही करा रहा, बाढ़ में पैसा दे रहा है, मोड़ियों के ब्याह करवा रहा है, बीमार हो रहा है तो भोपाल में व्यवस्था करवा रहा है, अच्छी अच्छी अस्पतालों में। कोरोना में देखो भैया, कोरोना में उनने सब कुछ करवा, सबकी व्यवस्थाएं करवाई, आदमी को दवाई करवाई। करता है हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हो रहे रैली विधानसभा के चांदपुर ग्राम में पंडित भारतीय जनता पार्टी का मंत्री गोपाल भार्गव ने कार्यालय का आज चांदपुर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव होगा। कचू जी ने फेसबुक पे कह रहा है चांदपुर आदो आदो, नहीं गलत, फेसबुक पे पोस्टिंग कर रहे हैं जो भरम है, जो भरम है। फेसबुक और आदमी के हृदय में जमीनी अंतर है। फेसबुक होगा एक दिखावट, एक लोग हृदय जो है आदमी के हृदय के लाने आदमी देख लिया, और हृदय में मसीह गोपाल भार्गव, गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी, तो गोपाल भार्गव के लाने अंत था। आज कांग्रेस के भी हृदय पे हाथ धर के पूछो के रहली विधानसभा क्षेत्र का गोपाल भार्गव चुनाव हार रहे, तो वो भी कहे गोपाल भार्गव जिंदाबाद। ये सुनिए, अब जब आपको पता हुआ उत्तर कांग्रेस के हृदय पे हाथ धर के गोपाल भार्गव चुनाव नहीं हार, तो अपन अपने मत की काहे खराब करें। जे बात है मतदाता अंततः वोट डारवे तक सोचा था, और गोपाल भार्गव जी है तो बहुत कद्दावर नेता प्रतिपक्ष भी रहे और लगातार नौ पंचवर्षीय जीत, तो उस दृष्टि से उनका मुख्यमंत्री बनाओ जाओ सर्वाधिक उचित और महत्वपूर्ण, और वो लायक भी हो गए ऐसे क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में घूम चुके हर चीजों को मिला ज्ञान। चांदपुर में विकास, चांदपुर में तो भाव इतना विकास के चांदपुर में कछु हतो ही नहीं 10 साल पहले, कच्चे रोड, रोड से लेके स्कूल से लेके चाहे बाजार दुकान है कछु भी देखे, और विकास मतलब जो होते जैसे रोड बने, रोड बने क्षेत्र की जनता और बाहर को आदमी आवागमन बढ़ो, आवो जाओ भाव, दुकानदारी चलन लगी और आदमी की आवक इतनी ज्यादा हो गई आजकल के हर घर में तो मोटरसाइकिल, दो दो तीन प्रत्याशी हैं रैली विधानसभा में, काम कोई अंतर नहीं, पर गोपाल भार्गव के लाने तो कोई अंतर नहीं, पर 14 प्रत्याशी हुए तो अंतर नहीं। कह रहा है नौवीं बार बहुत बड़ा चुनाव है, नौवीं बार
दीपू भैया ने एक बार कही थी कि नौ को जो संयोग भूत है, नौ जो अंक है, नौ जो संख्या है बहुत सुखदायी भूत है। जैसे हमें नव दुर्गा चल रही तो नव दुर्गा को भी महत्व है, नव ग्रह को भी महत्व है और ब्यास आदि में नवाचार को महत्व है। ऐसा ही जो इनको नव चुना हुआ है इसको भी बहुत बड़ा महत्व है जनता के लाने और भार्गव जी के लाने। अमरनाथ जी ने अभी तक रैली विधानसभा की सीट घोषित नहीं करी, अब यही चली गई थी, अब सोच रहे हैं करिएगा अंततः औपचारिकता के लाने कर है और हम तक तो किसी के लाने भी कर उसको मतलब कुछ नहीं। ज्योति पटेल को भी नाम है, कमलेश साहू को भी है, कमलेश साहू जो है कमलेश साहू भी चुनाव नहीं निकाल सके कैसे लड़ चुके हैं। और ज्योति पटेल की रही बात तो ज्योति पटेल जो है वे कमलेश साहू से हमारे हिसाब से लो स्थिति में, लो स्थिति में। तो रैली विधानसभा के चांदपुर में है, भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन किया है कैबिनेट मंत्री रहे गोपाल भार्गव ने और यहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि इस बार गोपाल सीएम बने हैं, सीएम बने बने हैं, भाव है विकास। तीन तीन चार चार प्रत्याशी है रैली में कांग्रेस मांगे तो कह रहा है दो कमलनाथ जी कह रहा है टिकट तो घोषित कर क्या कह रहे रोहित भाई ये बनाते हैं ये जब करेंगे जो भाजपा कार्यालय में उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन में बता रहे हैं कि जमानत जब्त इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त में आज भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन किया है कैबिनेट मंत्री रहे गोपाल भार्गव ने और यहाँ की जो जनता है वो बता रही है कि यहाँ इस बार नौवीं बार मंत्री गोपाल भार्गव का विधानसभा का चुनाव है और जनता है जो इस बार गोपाल भार्गव को रैली विधानसभा से भोपाल ले जाना चाहती है, सीएम के रूप में भोपाल ले जाना चाहती है और जनता बोल रही है कि इस बार गोपाल सीएम सीएम बन सकते हैं या तो राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्य है, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, अमित शाह जी क्या करते हैं, शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी बचा सकते हैं या नहीं, पार्टी में वरिष्ठ है भाजपा के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं गोपाल भार्गव, लगातार 40 वर्षों से गोपाल भार्गव का रैली विधानसभा में गढ़ माना जाता है और कद्दावर मंत्री माने जाते हैं गोपाल भार्गव। और मांगे दो कमलनाथ जी कह रहे टिकट तो घोषित कर क्या कह रहे रोहित भाई बनाते हैं जब करेंगे जो भाजपा कार्यालय में उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन में बता रहे हैं कि जमानत जब्त इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त में आज भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन किया है कैबिनेट मंत्री रहे गोपाल भार्गव ने और यहाँ की जो जनता है वो बता रही है कि यहाँ इस बार नौवीं बार मंत्री गोपाल भार्गव का विधानसभा का चुनाव है और जनता है जो इस बार गोपाल भार्गव को रैली विधानसभा से भोपाल ले जाना चाहती है, सीएम के रूप में भोपाल ले जाना चाहती है और जनता बोल रही है कि इस बार गोपाल सीएम सीएम बन सकते हैं या तो राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्य है, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, अमित शाह जी क्या करते हैं, शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी बचा सकते हैं या नहीं, पार्टी में वरिष्ठ है भाजपा के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं गोपाल भार्गव, लगातार 40 वर्षों से गोपाल भार्गव का रैली विधानसभा में गढ़ माना जाता है और कद्दावर मंत्री माने जाते हैं गोपाल भार्गव। चुनाव आ गया कैसा लग रहा हो, कहाँ है माहौल, कहाँ है माहौल थे जानपुर में, ठीक है जनता कह रही गोपाल भार्गव सीएम बनाओ,
बिल्कुल बनावे की इच्छा है। नौवीं बार चुनाव है, बार नहीं बनो चाहिए। और लास्ट ईयर है भी गए चुनाव बनो चाहिए सीएम। हार्दिक अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाकेरा दादा जरूरी है पंडित तिवारी जी भैया चुनाव। हाँ हमारे यहाँ तो पूरी जनता है गोपाल माय गोपाल माय है। यहाँ जो उनके विकास कार्य हुए हैं सारी जनता को सर और अगला सीएम गोपाल भार्गव है, पंडित श्री गोपाल भार्गव। रैली विधानसभा में बहुत से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, कमलनाथ जी अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाए। अब वो तो के लाने फिर वो बुंदेलखंडी में कहावत है कि काय परे हो चक्कर में और कौन उनंजा टक्कर में, काय परे हो चक्कर में और कौन उनंजा टक्कर में, चक्कर में और कौन उनंजा रैली विधानसभा के चांदपुर में थे, गोपाल भार्गव ने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया था। मैं था रोहित अहिरवार और आप देख रहे थे के आनी। धन्यवाद।